लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि नीरज को नैना के लिए बहुत बुरा लगता है और वो अपनी माँ को बदला लेने से मना कर देता है, लेकिन नीतू गुस्से में नैना पर हमला करती है पर नीरज उसे बचा लेता है। वहीं नैना के मन में प्यार उमड़ रहा था, लेकिन वो अपनी माँ की बातों में आ गई थी और रात में नीरज को मारने के लिए तैयार थी। अब आगे, जैसे ही नैना उस पर हमला करने वाली होती है, तभी अचानक से उस जगह पर एक चमकदार रोशनी प्रकट होती है और नैना रुक जाती है। रोशनी में से एक आवाज आती है, ये क्या है? ये क्या कर रही हो पुत्री? नीरज तुम्हारा सुहाग है, तुम उसके साथ विवाह के बंधन में बंधी हो और आज उसी को मारने चली हो। तभी नैना चौंक जाती है क्योंकि वो अलौकिक शक्ति थी। हे नाग देवी, प्रणाम। प्रणाम पुत्री, मैं महादेव की आज्ञा से तुम्हें निर्देश देने आई हूँ कि तुम गलत मार्ग पर जा रही हो। तभी नैना भावुक हो जाती है और फिर से इंसान रूप में आकर हाथ जोड़कर बैठ जाती है। हे नाग देवी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा मन पहले ही डगमगा रहा था, लेकिन अपनी माँ के कहने से मैं ये पाप करने जा रही थी। मैं जानती हूँ पुत्री, लेकिन अब समय बदल चुका है और नीरज तुम्हारे बदले का पात्र नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया देवी माँ, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। मैं कसम खाती हूँ कि मैं आज के बाद ऐसा कोई गलत कार्य नहीं करूँगी। आशीर्वाद दीजिए माँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है पुत्री। इतना कहते ही शक्ति वहाँ से गायब हो जाती है और नैना फूट फूट कर रोने लग जाती है। मुझे माफ कर दो नीरज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ये क्या पाप करने चली थी? बार बार मेरा प्यार मुझे रोक रहा था, लेकिन मैं फिर भी अपनी माँ की बातों में आ गई। उसका रोना सुनकर नीरज की आँख खुल जाती है और वो परेशान होकर जल्दी से नैना के पास जाता है। क्या हुआ नैना, तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो, वो भी रात के इस वक्त? नीरज मुझे माफ कर दो, बस मुझसे कोई गलती हो गई थी। लेकिन हुआ क्या है? वो सब मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। अच्छा कोई बात नहीं, शांत हो जाओ तुम। तभी नीरज उसे प्यार से गले लगा लेता है और इन सब के बाद नैना पूरी तरह बदल चुकी थी। नैना मैं जानता हूँ कि तुम मुझे मारना चाहती हो। नीरज, ये बात सुनकर नैना हैरान हो जाती है। लेकिन नीरज तुम्हें ये सब कैसे पता? मुझे सब पता है, और तुम ये भी जानती हो ना कि मैं एक नेवला हूँ। हाँ ये सच में जानती हूँ। लेकिन हमारे प्यार में इतनी ताकत है कि हम दोनों ही एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। हाँ नीरज, अब तो मुझे महादेव ने साक्षात प्रमाण भी दे दिया है, हमारा प्यार बहुत सच्चा है। इसी कारण तो हम दोनों एक दूसरे को मारना तो दूर, बल्कि एक छोटी सी हानि भी नहीं पहुंचा सकते। तो नैना और नीरज के बीच अब रिश्ता बिल्कुल पारदर्शी हो गया था। वो दोनों एक दूसरे की सच्चाई भी जान गए थे, इससे उनका प्यार और भी बढ़ गया था। नैना आज तुम महादेव के मंदिर जाओगी ना, मुझे भी लेकर चलना। ठीक है नीरज, मैं तैयार होकर आती हूँ, फिर हम मंदिर चलेंगे। तो कुछ देर बाद नैना और नीरज मंदिर जाते हैं। वहीं उन दोनों का प्यार देखकर नीतू आग बबूला हो गई थी और वो आज उससे बदला लेना चाह रही थी। आखिरी बार चले जाओ मंदिर, आज तो इस नागिन का आखिरी दिन है। मेरा बेटा तो किसी काम का नहीं है, पर मैं इसका खात्मा करके रहूंगी। वहीं दूसरी तरफ शीना भी सोच सोच कर परेशान थी। नैना ने अभी तक कोई योजना नहीं बनाई है और न ही वो मुझसे मिलने आई है, न जाने क्या हो गया है। नैना को मैं मंदिर में जाकर देखती हूँ, शायद वो मुझे वही मिल जाए। तो शीना भी महादेव के मंदिर में पहुँच जाती है और देखती है कि नैना अपने पति नीरज के साथ आई थी। अरे माँ, आप यहाँ? हाँ क्यों, मैं मंदिर में नहीं आ सकती क्या? माँ ये नीरज है, इससे तो आप कभी मिली ही नहीं है। प्रणाम माँ जी। शीना पूरी तरह नीरज को नजरअंदाज कर देती है। नैना मैं तुझसे कोई बात करने आई हूँ, चल जरा एक तरफ। अच्छा। तो शीना और नैना एक तरफ जाकर बात करने लगते हैं। तूने मुझसे बात करनी क्यों छोड़ दी, और तू इस नेवले के साथ बहुत खुश लग रही है, लगता है तू भूल गई है कि ये तेरा दुश्मन है। माँ नीरज मेरा दुश्मन नहीं, मेरी जिंदगी है, मेरा प्रेम है, मेरा पति है। रात को नागदेवी ने मुझे सही रास्ता दिखाया था। झूठ मत बोल, ऐसी बेवकूफों वाली बात रहने दे, दुश्मन हमेशा दुश्मन ही रहता है। माँ सच में नागदेवी स्वयं प्रकट हुई थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि। तू चुप रह, तुझसे कुछ नहीं होगा, जा यहाँ से, अपने पति के पास ही जा। ठीक है जा रही हूँ, और आप भी जाइए, मुझे मेरी जिंदगी जीने दीजिए। तो नैना फिर नीरज के पास चली जाती है और दोनों महादेव की पूजा करने लगते हैं।
वहीं दूसरी तरफ नीतू भी वहां पहुंच जाती है और शीला को देख लेती है। जहरीले नागिन, तू यहां क्या कर रही है? तू यहां क्या करने आई है दुष्नीवली? मेरी बेटी को मारने आई है ना तू? हाँ बिल्कुल, लेकिन अच्छा हुआ कि तू भी यहीं मिल गई, अब तुझे भी यहीं खत्म कर दूंगी। तू एक नेवली है और तुझ में इतना साहस नहीं है कि तू मुझे और मेरी बेटी को मार सके। खात्मा तो आज तेरा और तेरे बेटे का होगा, देख लेना आज मैं तुझे कैसे हराती हूँ। तभी शीना नागिन रूप ले लेती है और नीतू भी नेवली बन जाती है और दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ती है। तभी नीरज और नैना भाग कर आते हैं। माँ ये क्या कर रही है? छोड़ दीजिए उनको। माँ ये सब मत करो, दुश्मनी के चक्कर में आप सबकी जिंदगी खराब कर रहे हैं। माँ छोड़ दो। नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगी, ये नेवली है और इसके बेटे को भी मार दूंगी, इसे भी मार दूंगी। तू जिंदा रहेगी तब तो मारेगी ना मुझे नागिन। तो दोनों में खूब लड़ाई होती है। नीरज और नैना को चिंता होने लगती है। नीरज हमें कुछ करना होगा वरना ये जान ले लेंगी एक दूसरे की। हाँ, हमें अपना रूप बदलकर इस लड़ाई में शामिल होना होगा और इन्हें दूर हटाना होगा। तो नैना नागिन बन जाती है और नीरज नेवला बन जाता है और वो दोनों उनके बीच बचाव करने के लिए चले जाते हैं। माँ हट जाइए, दूर रहिए इनसे। माँ ये सब मत करो, बदला लेने से किसी का फायदा नहीं होगा, अब दूर हो जाइए। लेकिन शीना और नीतू किसी की भी नहीं सुनते और इसी बीच नैना और नीरज भी जख्मी हो जाते हैं और उन दोनों की लड़ाई से बाहर निकल कर इंसान बन जाते हैं। अब क्या करें? ये दोनों तो सुन ही नहीं रही हैं। हे महादेव रक्षा करो। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे रोके? तभी अचानक से नीतू गुस्से में नैना पर कूद पड़ती है और उस पर प्रहार करने लगती है। छोड़ो माँ जी। माँ ये क्या कर रही हो? छोड़ो नैना को। ये तूने अच्छा नहीं किया, मैं भी तेरे बेटे को यही मार दूंगी। तभी नागिन बनी शीना भी गुस्से में नीरज पर कूद। छोड़िए मुझे माँ जी, और आप मुझे क्यों मार रही हैं? मैं सुहाग हूँ आपकी बेटी का। तू मेरा दुश्मन है, सिर्फ दुश्मन, दोनों माँ बेटे आज मरेंगे मेरे हाथों। वहीं नैना और नीरज चाहकर भी उन दोनों पर हमला नहीं कर सकते थे और बल्कि खुद ही घायल होते जा रहे थे। माँ जी छोड़िए मुझे, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए। माँ छोड़ दो नैना को। मेरी सांस रुक रही है माँ जी। ढोंग मत कर मेरी बेटी को प्यार करने का दुष्ट नेवले। तो नीतू और शीना ने नफरत की हदें पार कर दी थी और तभी अचानक से वहाँ तेज बिजली गिरती है जिससे शीना और नीतू दूर जाकर गिर जाती हैं। तभी वहाँ पर एक तेज रोशनी से नाग देवी प्रकट होती हैं। बहुत ही दुखदायी दृश्य है ये, कितनी घृणा भरी है शीना और नीतू। सभी नाग देवी के सामने हाथ जोड़कर अपना सिर झुका लेते हैं। नीतू और शीना अचानक अपनी इच्छा के बिना इंसान रूप में आ जाती हैं। ये क्या? हे देवी माँ रक्षा कीजिए। प्रणाम देवी माँ। प्रणाम माँ। एक इच्छाधारी नागिन होकर शीना ये सब कार्य कर रही है, क्या नागलोक में तुम्हें यही शिक्षा मिली थी? लेकिन मैंने कुछ भी दुष्ट कार्य नहीं किया है माँ। हाँ देवी माँ, मैंने भी वही किया जिसके ये दोनों माँ बेटी काबिल हैं। शीना एक नागिन है और नीतू एक नेवली है, फिर भी तुम्हें अपनी शक्तियों का इतना घमंड है कि तुम्हें सत्य दिखाई नहीं दे रहा। नीरज और नैना एक दूसरे के जीवन साथी हैं, इनका प्रेम सच्चा है, लेकिन तुम दोनों ने बार बार इन्हें बदले की आग में धकेला। लेकिन इसने बहुत गलत किया, इनकी वजह से मेरे नागपति की मृत्यु हो गई, मैं इन्हें मार दूंगी। नहीं नहीं, इन दोनों की वजह से मेरे पति की मृत्यु हो गई, इसलिए मैं नैना और शीना को मार देना चाहती हूँ। तुम दोनों ने प्रकृति के नियम के खिलाफ जाकर एक दूसरे की मृत्यु के बारे में सोचा, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। आज से तुम दोनों की शक्ति छीन ली जाएगी और तुम दोनों साधारण स्त्रियों की तरह रहोगी। नहीं नहीं देवी माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे मेरी शक्ति मत छीनो माँ। हाँ देवी माँ, आगे से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मेरी शक्ति मत छीनो, मैं साधारण स्त्री बनकर नहीं रह सकती। तुम दोनों सीमा से बाहर गई, अब तुम दोनों की यही सजा है। तभी नाग देवी अपनी शक्ति से उन दोनों की शक्ति छीन लेती है जिससे शीना और नीतू एक साधारण स्त्री की तरह बन जाती हैं। दोनों रोने लगती हैं। नहीं नहीं, ये क्या हो गया? हे देवी माँ, ये क्या कर दिया? अब से तुम दोनों एक दूसरे से दुश्मनी निकालने के काबिल नहीं रहोगी और इन दो प्रेमियों की जिंदगी में बाधा भी नहीं बनोगी। आपका बहुत 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 धन्यवाद देवी माँ। तो नैना और नीरज झुक कर नाग देवी को प्रणाम करते हैं और नाग देवी वहां से गायब हो जाती हैं। वहीं शीना और नीतू दुखी हो जाती हैं क्योंकि उनमें कोई शक्ति नहीं रह गई थी। देखा माँ, गलत का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। माँ रोने से कोई फायदा नहीं है, मैंने कितना समझाया था आपको।
मुझे माफ कर दो, बदले की आग ने मुझे दरिंदे की तरह बना दिया था। हाँ बेटा, गलती हो गई। आज मुझे समझ में आया है कि तुम्हारा प्यार कितना सच्चा है, लेकिन मैं इसे खत्म करने चली थी। तो नीतू और शीना को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, लेकिन अब क्या फायदा, अब तो वो एक साथ साधारण स्त्रियां बनकर रह गई थी। खैर, इसी के साथ बुराई का अंत हो जाता है और अब नैना और नीरज प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर